दिव्या, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज हमारी स्कूल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या किया? हमने बच्चों के साथ खेला, मतलब मैंने बच्चों के साथ खेला, मैंने उन्हें पढ़ाया और उनके एग्जाम चल रहे थे तो फिर मैंने उनका ध्यान भी रखा कि और मैंने की वो का वो पॉइंट्स कौन बोल रहा था? पता तू बुलवा रही थी अपने आप बोल? नहीं नहीं है ना, मैं सबको बारी बारी बुलवा रही थी कि है ना किस किस को आती है, जिसको नहीं आती मैं वो सुना देती। तो आती उस दिन बच्चे खुश हो जाते। ये गेट पे आती है ना तभी सारे कहते कूद कूद के दरवाजा पे कहते आज दिव्या आई, आज दिव्या आई, आज हम पढ़ेंगे, मतलब खेलेंगे। उनका मतलब खेलना होता है और ये खेल खेल में उनको पढ़ा देती, उनको पता ही नहीं चलता। वो भी अब तो एग्ज़ाम चल रहा है, आज इतना मौका नहीं मिला। बाकी तो बिना एग्ज़ाम के आती हैं तो पूरे दिन उनको है ना लगाए रखती है, छोटे वाले दो बच्चों को, फर्स्ट और सेकेंड क्लास को, वो खो के पड़े। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है घमू राजस्थानी चैनल पर। और जब तेजस साथ आता है और उसको भूख लगती है तो वो लेता है चिप्स या फिर बिस्किट या फिर कुछ भी ऐसा जो कि चटपटा हो या फिर दुकान का हो, मतलब फ्रूट वगैरह तो वो आसपास भी नहीं जाता। और दिव्या को आज रास्ते में भूख लग गई तो मैंने कहा मैं किलो भर केले ले आऊँ, तो उसने कहा ले आओ। और फिर मैंने यहाँ से आम भी ले लिए तो इसने केले खा लिए दो बड़े बड़े से, और फिर आराम से ये बाड़मेर पहुँच गई। और बाड़मेर आते ही हम जो है वो कहते हैं खाने पर पड़ गए, जैसे ही ज़्यादा भूख लगती है तो हम खाने बैठते हैं तो उसको कहते हैं कि जिमण माते पड़ गया, ऐसे बोलते हैं। तो दही भर लिए कटोरी, क्योंकि जब धूप में आते हैं ना तो धूप में आ रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा धूप लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, भूख भी लगी होती है, तो सबसे पहले याद आता है या तो खीरा इस तरह की सलाद या फिर दही या छाछ, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में हमें तो है ना सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप लोग बताइए कि गर्मियों में आपको ऐसी कौन कौन सी खाने में चीज़ें अच्छी लगती है? मुझे छाछ, दही, खीरे का सलाद, प्याज भी थोड़ा अच्छा लगता है, और इसके अलावा टमाटर भी बिल्कुल अच्छे अच्छे और रसी में दो तो टमाटर का सलाद भी अच्छा लगता है, और दही तो जैसे पीते ही जाओ। तो ये चीज़ें कुछ है, और बाकी जो है कभी कभी अगर मिक्सर हो ना तो फिर आम का रस भी बना लेते, वो भी खाने के साथ चल जाता है। तो आप लोग कुछ ऑप्शन बताइएगा, क्योंकि इन गर्मियों में ना खाना खाए ना तब एकदम खाने के साथ भी ठंडक महसूस होनी चाहिए। आई थिंक ऐसा कुछ हमें शामिल करना चाहिए खाने में, ठीक है, बूंदी डाल के और उसके अंदर पुदीना वगैरह इस तरह के मसाले डाल के जो रायता बनाते हैं ना, वो रायता भी ठंडा होता है और काफ़ी गर्मियों में अच्छा लगता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है और वो होती है, अभी मेरे को याद थी अब मैं भूल गई क्या थी, हाँ कैरी। और कैरी मतलब किसी भी सब्जी के साथ होती है तो उसका रस यानी उसकी जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत टेस्टी होती है। और बाकी हम जो है कैरी की एक इस तरह की जूस टाइप भी बनाते हैं जिसमें नमक मिर्च डाल के मिक्सर में पीस के बहुत ही प्यारी ठंडाई बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है कैरी वाली भी। और वो कटोरा भरा हुआ दही तेजस पी गया, और यहाँ पर हमने भगोली में इस थैली के अंदर दही इसलिए रखा है कि साइड में हम बाद में अगर दही बचेगा ना तो पानी डाल देंगे, जिससे कि दही ज़्यादा जल्दी ठंड कड़ क्या कहते हैं खट्टा ना हो। और शाम तक तो हमें इसको शाम के टाइम ख़त्म कर देंगे, रात को फिर कुछ और छाछ या दही लेकर आएंगे। और छोले जिसमें आपको कम मसाले दिख रहे हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और ज़्यादातर सब्जियाँ मैं कम मसाले की बनाती हूँ, और जिनको सब्जियों का ज़्यादा शौक होता है ना उनको जो है ज़्यादा मसाले पसंद है, आई नो, लेकिन मुझे थोड़े कम पसंद है। और गर्मियों में तो अगर हम मसाले थोड़े कम रखें तो आई थिंक ठीक रहेगा। और आम के बारे में तो पूछो ही मत, आम की मतलब जितने लाएं उतने ही कम हैं। अभी तो सीज़न शुरू हुए मुश्किल से 10-12 दिन भी नहीं हुए हैं, और 10-12 बार हमारे घर पे आम आ चुके हैं सिर्फ इन दो बच्चों के लिए, और इसको इस तरह काट के देने पड़ते हैं, और उल्टे अगर काट के ढंग से नहीं देंगे तो और नहीं खाएगा, ये परेशानी और है। तो भले है ना आम तो कैसे भी खाएँ, किसी भी तरीके से खाएँ, जूस बना कर खाएँ, ऐसे खाएँ या फिर खाने के साथ जूस यूज़ करें, सारी हालातों में आम तो अच्छे ही लगते हैं। और ये हम शाम को फिर तैयार हो चुके हैं, कटोरे दही से भर ली हैं, सलाद बनाया है, और ये शाम के टाइम लगभग रात को नहीं है, 5-1 बजे हैं, तो इस टाइम जो है हमने वापस से सलाद बना लिया। दोपहर को बनाना था लेकिन भूख इतनी तेज़ लगी थी कि बना नहीं पाए। तो अभी आपने 2-4 दिन से देखा होगा हमारे खाने के नखरे बढ़ते जा रहे, क्यों मैं अभी बताऊंगी। चले वापस हॉस्पिटल सुई गिराने नाक कितना, कौन सी इसको कितनी भी गुदगुदी करे इसे होती नहीं है।
कहीं ये नाक वाली दवाई से तो नहीं हुआ है? ये देखो मम्मा के नाक में डालो, नाक में डालो। तो तेजस्वी दो बार बीच में थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ गया, तो उसकी तबीयत भी डाउन होगी, पतला पड़ गया। दिव्या पहले से ही पतली है, तो हमने मैंने सोचा कि ये चीज़ें घर में लाई हुई रखें, जैसे पपीता है, खरबूजा है, तरबूज है, इसके अलावा आम है, सलाद है, दही है, ये चीज़ें फुल रखेंगे ना, तो बच्चों को जब भूख लगेगी तब उठ के खा लेंगे। तो पहले जो है दही खट्टा होने के डर से सिर्फ आधा किलो ही लाते थे, वहाँ अब मैंने 1.5 किलो कर दिया है, क्योंकि 1 किलो दिन में ला के उसको शाम तक ख़त्म कर देते हैं और शाम को आधा किलो और ले आते हैं, और दुकान भी अब पास में है जहाँ पर सेम दही मिलता है। तो बच्चा तुम दोनों तो ना लियो है, तो बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को भी अच्छा लगना है, तैयार होना है, स्नान करना है। तो ना क्या जो चलो जादू करते। अरे दिव्या कहाँ गई? मैं तो तैयार होकर आ गई, दिव्या गायब हो गई, गई का मोटे मोटे झुमके कैसे लग रहे? इनको मैंने ऊपर बांधे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं लगे बांधे हुए, लेकिन बांधना मजबूरी थी, इस तरह बनाए हैं। तो अब लोग आप सोच रहे होंगे कि इसके पास ऐसी साड़ी और इतना खूबसूरत ब्लाउज आया कहाँ से? तो देखिए, ये तो आप शाम के वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहीं फ्री से आई है या मैंने पैसे बहुत सारे खर्च किए हैं, या फिर ब्लाउज इतना प्यारा और इतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग वाला कहाँ से आया, नई डिज़ाइन का, ये सब आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों है ना, आज आपके सामने एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ। यहाँ बैठ के आराम से लगभग कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि कुछ लोग हैं जो कि ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जिसमें कुछ सेंस ही नहीं होता, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं क्या करती हूँ अगर मेरे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि कुछ क्रिएटर हो वीडियो बनाने वाले जो मतलब या तो थंबनेल पे बिल्कुल जो है गलत लिख देते हैं और अंदर कुछ नहीं होता है, या फिर मतलब जो भी हो वीडियो देखने के बाद आपको उस क्रिएटर पर गुस्सा आता है, और बहुत ज़्यादा हर बार गुस्सा आता है, एक आध बार तो आने में आ ही सकता है, आपका कोई फेवरेट भी है ना तो भी आप उसका वीडियो रोज़ देखते हैं, तो कभी कभार कुछ ऐसी भी इंसान होता है गलती हो जाती है तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर हो जिनसे आप बुरी तरह परेशान हैं और आप वो वीडियो देखे बिना भी नहीं रह सकते और देखने के बाद आपको गुस्सा भी आ जाता है, तो उसका आज आपको इलाज बताते हैं। यानी कि जो गलत वीडियो बना के मिसलीड करके आपको परेशान करते हैं वो अब नहीं करेंगे, इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, आपको खुद को कह रही हूँ कि जो जिसके वीडियो आपको कभी अच्छे नहीं लगते और जो क्रिएटर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपके मन की कह रही हूँ, मेरे मन की नहीं कह रही हूँ कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता उसका आप कुछ करो। मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ। जैसे कुछ वीडियो जैसे होते हैं कि हमेशा सामने आते रहते हैं और उसका थंबनेल देख के भी ऐसा लगता है कि हाँ क्लिक करके देखना ही चाहिए, और देखने के बाद मतलब इतना गुस्सा आता है कि एक तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया और एक वीडियो में कुछ था ही नहीं, या कुछ था तो सही नहीं था, या फिर अपने को पसंद नहीं आया, ऐसा 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 होता है ना हर बार। तो फिर मैं उस ऐसे किसी भी क्रिएटर को मैं अपना वॉच टाइम नहीं देती, सच में नहीं देती। मैं क्या करती हूँ, चाहती हूँ वीडियो जैसे ही सामने आता है उसके नीचे जो शेयर का बटन होता है वहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। अगर आपके स्नैपट्यूब में है स्नैपट्यूब, तो स्नैपट्यूब पर आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आराम से अपनी गैलरी में से उस वीडियो को 2-3 बार घुमा घुमा के देखिए, और उसमें उस मतलब क्रिएटर ने कितनी गलती करी है वो आप सारी छांटिए, और फिर आपका मन हो रहा है कि नहीं यार इसको तो कमेंट करना चाहिए, भले सही भले गलत कैसा भी, तो आप जाइए वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है और आप जो है कमेंट पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पर क्लिक कीजिए, वीडियो को रोकिए, क्योंकि आप वॉच टाइम नहीं देना चाह रहे थे इसलिए तो डाउनलोड किया, तो आप वीडियो को रोकिए, पूरे कमेंट जो है आराम से पढ़िए, फिर आपको जो लिखना है वो लिख के आइए। मिसलीड करने वाले वीडियो बनाए जाते हैं ना इस तरह के, उनको आप इस तरह जवाब दे सकते हो। आप क्या करते हो, उस वीडियो को फुल देखते हो,
सपोर्ट करते हो, वॉच टाइम फुल दे देते हो। जैसे वीडियो का अगर 50% वॉच टाइम गया तो वो वीडियो तो वायरल, फिर आपका गुस्सा होने का क्या मतलब? आपको अगर बुरा लगा है कुछ तो क्या मतलब? आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है तो क्या मतलब? आपने तो अपना वॉच टाइम दे दिया ना। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो धीरे 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 इस तरह बिना मेहनत और गलत वीडियो बनाने वाले खुद में खुद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। आप कमेंट करके अगर वीडियो कहीं से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे से रिलेटेड है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरे से कुछ नहीं पूछ सकते, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने आकर कहा कि ऐसे वीडियो बन रहे हैं, ऐसे वीडियो बन रहे हैं, सही नहीं है वो, वैसा वो व्यू वो ऐसे वो ऐसे, तो फिर इसका मेरे पास ये इलाज है। और ये इलाज आप अपनाओगे ना तो जो है बिन पानी के मछली की तरह ऐसे क्रिएटर दम तोड़ देंगे धीरे धीरे यूट्यूब से। नहीं भी तोड़े तो अपने क्या फ़र्क पड़ता, अपना बेनिफिट नहीं जाना चाहिए बस। स्नैपट्यूब आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर आप पहले डाउनलोड कीजिए और फिर जहाँ डाउनलोड किया है वहाँ चाहें तो नेट बंद करके देख सकते हैं, और चाहें वहाँ पर आप नेट बंद करके भी देखिए, बिना नेट बंद करके जैसे भी देखिए, यूट्यूब पर भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन गैलरी वाला ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर हम आगे पीछे करके आराम से देख सकते हैं कि इस क्रिएटर ने अपने वीडियो में कितने झूठ बोले, कितनी गलतियाँ की है और ये कितना सही है गलत, वो सारी जो है एक बार से फटाफट देखने से हमको पता नहीं चलता है। तो ये हम कर सकते हैं। हाँ, एक दो बार भले किसी से गलती हो जाए तो उसके ऐसे पीछे मत पड़िए। मैं भी यानी क्या करती हूँ सच बताऊँ, भले छोटे क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, जिनके वीडियो पे मैं क्लिक कर देती हूँ ना थंबनेल देख के, और फिर लगता है कुछ वीडियो देखा और फिर लगता है कि नहीं अब देखने का मन नहीं है, तो मैं उस वीडियो को कभी एक मिनट या डेढ़ मिनट या आधा मिनट देख के बंद नहीं करती। मैं उस वीडियो को छोड़ देती हूँ और पास में मेरा छोटे मोटे कुछ काम करती हूँ तब तक, या फिर वीडियो को यूँ जो है दूसरे वीडियो देखती रहती हूँ और वो चलता रहता है। मतलब कम से कम मैं जो नॉर्मल जिसके व्यू आते हैं या कम व्यू आते हैं ना उनको मैं वॉच टाइम फुल देती हूँ, अगर मैंने वीडियो पर क्लिक कर दिया तो, भले मुझे वीडियो पसंद आए या ना आए। जो वीडियो हमें पसंद आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उस पर तो हम वॉच टाइम दे रहे हैं, उसमें अपना कोई नुकसान नहीं, उल्टा हमें फ़ायदा हो रहा है कि हम उस वीडियो से खुश हुए हैं और हमें उस वीडियो की आदत लग चुकी है। वो बंदा वीडियो अच्छा बनाता है, हमें उसकी वीडियो पसंद है, वो बंदा पसंद है, तो वो तो कोई बात नहीं। किसी की वीडियो पे क्लिक तो कर दिया, वीडियो में बंदा मेहनत कर रहा है लेकिन हो सकता है कि उसकी मेहनत सही तरीके से की हुई नहीं है, या फिर जो भी तरीका हो उसने मेहनत की लेकिन हमें पसंद नहीं आई है, तो फिर हम जो है इस तरह वॉच टाइम दे सकते हैं। वीडियो को चालू करके छोड़ दीजिए और कुछ सुनना है तो सुनिए वरना साइलेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपने किसी भी खास करके छोटे क्रिएटर को आप क्लिक करते हो जिसके बेचारे के 150 व्यूज आए हुए हैं और आप क्लिक करके उसको स्किप कर देते हो ना, तो आप उसका बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा थोड़ी सी ये आप इंसानियत वाली आदत थोड़ी सी है ना यहाँ यूज़ करेंगे ना तो आप मतलब इनडायरेक्टली किसी का भला कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ ना, मैं झूठ बोलती हूँ ना मेरे को इसकी तारीफें चाहिए, लेकिन मैं करती हूँ। खास करके जिसके व्यूज 1000 से कम आते हैं उनके तो मैं क्लिक के बाद जो है कभी स्किप नहीं करती हूँ, और जो ठीक ठाक है जैसे कि किसी के पहले व्यूज 70-80 हज़ार आते थे और अब बेचारे के 10-12 हज़ार आते हैं, तो ऐसे को भी मैं स्किप नहीं करती हूँ, कम उस पर क्लिक कम ही करती हूँ। लेकिन जिस दिन क्लिक करती हूँ इस इरादे से करती हूँ कि आज इसका वीडियो पूरा देखूँगी। ना तो अपने को किसी को परेशान करना है और ना खुद परेशान होना है, ना मेंटली परेशान होना है और ना ही अपना टाइम खराब करना है किसी के पास। बस अपना टाइम बहुत कीमती है, उसको आप सोच समझकर यूज़ कीजिएगा। किसी और के कहने पर और दूसरे के इशारे पर चलेंगे तो टाइम भी बर्बाद होगा और मिलेगा कुछ नहीं, मेंटली परेशान होंगे, दुखी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शाम का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय।